हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ये RER, IR, OR, UR, इसका प्रयोग मैं बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, इसे कैसे पढ़ा जाता है, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं अब वीडियो की तरफ, एक एक करके हम सबको देख लेते हैं कैसे पढ़ा जाता है। तो वीडियो देखिए आप लोग। तो ये RER, IR, OR, UR, ये जो ये EIOU, इसके साथ अगर R आता है तो इसे हम बॉसी R कहते हैं। बॉसी मतलब बॉसी हो जाता है, इसे हम बॉसी R वर्ड के नाम से जानते हैं। जब वावेल यानी आर जब किसी कंजोनेंट के साथ आता है तो वो ट्रिकी या आसान हो जाता है, लेकिन जब आर वा किसी ओवेल के साथ आता है तो उसे वह बॉसी हो जाता है, एक साथ पढ़ा जाता है, काफ़ी ज़ोर दे के पढ़ा जाता है, तो उसे हम बॉसी आर कहते हैं, या आर कंट्रोलर वावेल्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये आर जो है ये वावेल्स को कंट्रोल करता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका प्रयोग, इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसका कब प्रयोग होता है, कब इसका किस मतलब कौन सी भावना मतलब इसका निकलता है, अर्थ क्या निकलता है, ये हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं ये आर का प्रयोग, जब ए आर आता है तो इसका क्या मतलब होता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए ये आर का प्रयोग, जब वावेल ए के साथ, जब वावेल ए के साथ आर आता है तो ये आर को आर या आर से पढ़ते हैं। जब वावेल ए के साथ आर आता है तो ये आर को आर या आर से पढ़ते हैं, मतलब आधार रा से पढ़ते हैं, या जोर देके बड़ा आ और रा आर, मतलब आगे हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कार हो गया, ये कार, यहाँ पर नीचे आप देखिए कार, स्टार, यहाँ पर आर की भावना निकला है ना, स्टार स्टार कार, आप देख सकते हैं आर की भावना निकला है। आगे हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सार्क हो गया, यहाँ पर सार्क, वहाँ पर मैंने बताया था आर यानी आधार रा की भावना भी निकलेगा, तो यहाँ पर सार्क सार्क हो गया। इसी तरह डार्क, आधारा की भावना निकल रहा है ना, डार्क, हार्ड, चार्ज, डार्ट, स्मार्ट, और भी एग्जांपल है यहाँ पर, शार्प, गार्डन, इन सभी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जोर दे के बात किया गया है और एक साथ पढ़ा गया है ये आर को, और इसमें आधार आ की भावना निकला, मतलब जोर दे के आधार और आ की भावना निकला, स्मार्ट, गार्डन, और ऊपर जो था वो आर की भावना, जैसे डार्क, कार, इस तरह से निकला है, तो इसका अर्थ ये होता है। अब हम आगे देखते हैं ई आर का प्रयोग, जब वावेल के यानी जब वावेल ई के साथ, जब वावेल ई के साथ आर आता है तो ई आर को अर या अर से पढ़ते हैं, मतलब अर छोटा आ और रा, अर की भावना निकलेगी या आधा रा की भावना निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, जैसे स्पाइडर, स्पाइडर आर की भावना निकल रहा है ना लास्ट में, स्पाइडर, ई आर की आर की भावना निकल रहा है ना, और इसी तरह वाटर, टर मतलब आर की भावना निकल रहा है ना, वाटर, इसी तरह सिस्टर, और फिर यह है अंडर, अंडर में भी आर की भावना निकल रहा है, और इसी तरह हो गया डिनर, एंगर, वर्ब, अब यहाँ पर आधार आर की भावना निकल रहा है ना यार की, वर्ब, फॉर्न, जर्म, सर्ब, यहाँ पर इन चारों में आधारा की भावना निकला और यहाँ पर अर की भावना निकला है, तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से पढ़ा जाएगा ई आर को। अब हम आगे देखते हैं,
अब हम आगे देखते हैं आई आर का प्रयोग। आई आर को क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है? जब वावेल आई के साथ आर आता है, जब वावेल आई के साथ आर आता है तो आई आर को अर से पढ़ते हैं, मतलब आधर रा से पढ़ा जाता है, अर से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे बर्थ, बर्थ आई आर आया है इसलिए आधर रा की भावना निकला है ना, बर्थ। शर्ट, और भी एग्जांपल हम नीचे देखते हैं, इसी तरह थर्ड हो गया, थर्ड इसमें भी आधारा की भावना निकल रहा है ना। कन्फर्म हो गया, बर्थडे हो गया, इन सभी में आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आई आ रहा है वहाँ पर आधार रा की भावना निकल रहा है। बर्थ, बर्थ, शर्ट, थर्ड, बर्थडे, कन्फर्म, इन सभी में आधार रा की भावना निकल रहा है, तो इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब हम देखते हैं आगे ओ आर, ओ आर का प्रयोग। ओ आर का प्रयोग जब वावेल के साथ यानी वावेल ओ के साथ आर आता है तो वो आर को, वो आर को आर से पढ़ते हैं, आर जोर देकर निकल रहा है ना, आधा बड़ा और आधा रा, यानी कि आर से पढ़ते हैं, वो आर को आर से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे शार्ट जोर दे के निकल रहा है ना, शार्ट। फार्म, आधारा और बड़ा की भावना निकल रहा है, शार्ट जोर दे के पढ़ा जा रहा है, शार्ट फार्म, इस तरह से पढ़ा जाएगा। और भी एग्जांपल दो देख लेते हैं, दो एग्जांपल और, इसी तरह नॉर्थ, नॉर्थ, लॉर्ड, बॉर्न, कॉर्क, कॉर्क, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अगला है यू आर का प्रयोग। ई यू आर का प्रयोग कब किया जाता है? जब वावेल यू के साथ आर आता है तो यू आर को अर या अर से पढ़ते हैं, अर या अर से पढ़ते हैं। जैसे पर्पल, पर्पल, आर की भावना निकला है ना, पर्पल, पर्पल। चर्च, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर की भावना निकला है, यहाँ पर अर और इस यहाँ पर आधा रा, चर्च, पर्पल। और फिर आगे देखते हैं, और भी एग्जांपल है जो देख लेते हैं, बलर, बलर, अर की भावना निकला है ना, बलर। कर्ड, सर्प, बर्प, इस तरह से पढ़ा जाएगा। इसमें आर छोटा आ और आर की भावना निकलेगा जैसे बलर, और आधा रा की भावना निकलेगा जैसे कर्ड, कर्ड, चर्च, बर्प, सर्प, पर्पल, इस तरह से पढ़ा जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमें उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए दोस्तों, हम ट्रांसलेशन की दुनिया में सोमवार यानी मंडे से हम चलेंगे, और बिल्कुल बेसिक से हम आपको टेंस सिखाएंगे, जितने भी ट्रांसलेशन है। फर्स्ट टाइम में मैं दो क्लास स्टार्ट करूँगा, एक फर्स्ट यानी मॉर्निंग में और एक सेकेंड टाइम में। सेकेंड टाइम में आपका स्पीकिंग कोर्स होगा और फर्स्ट टाइम में आपको टेंस सिखाया जाएगा। ये दो क्लास आपको डेली चलाएंगे और टेंस आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल जानकारी जितना मैं बताऊँगा उतना आप पढ़ लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ 3 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश इतना मज़बूत हो जाएगी कि आपके जबान से खुद इंग्लिश निकलेगी, खुद बोलोगे, मज़े आ जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।